कमला और उसका पति बहुत सालों से बाजार में फल बेचते हैं। कमला घर घर जाकर फल बेचती है और कुछ ग्राहक उसी से फल खरीदते हैं। वो उनके घर जाकर फल देकर आती है। सुन कमला, कल मेरे घर में पूजा है, तेरे पास जो भी अच्छे फल है, केला, संतरा, तरबूज, सेब, सब ले आना और याद से शाम को आके प्रसाद लेके जाना। अच्छा ठीक है। ए, देखा, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। तेरे पास अनानास है क्या? अनानास? अभी अनानास नहीं है भाभी, अभी तो नहीं है। अगर आप कहे तो मैं कल ढूंढ कर आपके लिए अनानास ले आऊंगी, पक्का। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाके ढूंढो। कल बहुत साल बाद मेरे गुरुजी मेरे घर पे आने वाले हैं और वो फल के सिवा कुछ और खाते ही नहीं हैं और उन्हें फल में सबसे ज्यादा पसंद है अनानास। थोड़े से ही तो फल दिए हैं, खा लीजिए ना गुरुदेव। आज मुझे अनानास नहीं मिला, लेकिन कल मैं आपके लिए जरूर ले आऊंगी। नहीं बेटा, अब मैं और नहीं खा पाऊंगा। आज मुझे दूसरे शिष्य के यहाँ जाना है, वहाँ रात रुककर सुबह ही आश्रम लौट आऊंगा। तुम तो जानती हो आश्रम में देवता को अपने हाथ से भोग न चढ़ाने से मुझे शांति नहीं मिलती। गुरुदेव मेरी कुंडली देख लीजिए ना, मेरा वक्त बहुत ही खराब चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, दिखाओ दिखाओ, तुम्हारा बायां हाथ दिखाओ। बहुत कठिन समय है। हाँ, ये क्या बोल रहे? फिर क्या होगा? सुनो, तुम्हारा एक अच्छा फल है और एक बुरा फल है। तुम्हें स्वयं खोज के निकालना होगा अच्छे फल और बुरे फल को। वो फल को खोजने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि सामने जो बहुत बड़ी मुसीबत है उसे कैसे मुक्त होना है। भाभी, ओ भाभी, मैं अनानास लेकर आ गई हूँ। अब मैं अनानास लेके क्या करूँ, मेरे गुरुदेव तो चले गए। अरे अब आप ही बताओ मैं ये अनानास लेकर क्या करूँ, आप ही रख लीजिए ना। क्या करेगी, रख के जा। कमला, गुरुजी ने मेरी कुंडली देख के कहा कि मेरा वक्त बहुत खराब चल रहा है, तू ही एक है जो मुझे बचा सकती है। क्या? हाँ तू ही बचा सकती है। मैं कैसे बचा सकती हूँ आपको भाभी? सुन, मेरे लिए तुम्हें दो फल लेके आने होंगे, एक होगा अच्छा फल और एक होगा बुरा फल। गुरुजी मुझे कह के गए कि अगर मैंने ये दो फल नहीं ढूंढे तो मेरी मुसीबत खत्म ही नहीं हो। तू कहीं से भी जाके एक अच्छा फल और एक बुरा फल लेके आ जाना, बस। ठीक है, जब आप मांग रही है तो मुझे लेकर आना ही पड़ेगा। देखती हूँ जितना जल्दी हो सके लेकर आती हूँ। ठीक है फिर चलती हूँ भाभी। अरे तुम इतना क्यों चल रही हो बताओ? और इस तरह के फल का तो नाम मैंने अपने जन्म में कभी नहीं सुना है। अरे सुनो, सोना भाभी हमारी सबसे बड़ी ग्राहक है, उन्हें जो चाहिए हमें देना पड़ेगा। अगर वो हाथ से निकल गई तो धंधा बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे तुम? कुछ तो सोचो, क्या हुआ? इंसान अच्छे फल को जमा करता है, सही कहा ना? सही ना? हाँ। और बुरे फल को फेंक देते हैं, सही कहा ना? सही बोला। अच्छा फल मतलब जो हमारे भविष्य में काम आए, सही ना? हाँ। अच्छा तो भविष्य में हमारे क्या काम आएगा, सोचो। क्या? और क्या, पैसा। पैसा काम आएगा जो हमें बुरे वक्त में काम आता है। बिल्कुल सही बोली हो भाग्यवान, तुम कितनी बुद्धिमान हो। अगर दिमाग नहीं होता ना तो मैं कभी ये व्यापार नहीं कर पाती। अच्छा एक काम करना, कल तुम मेरे लिए दो तरबूज ले आना, एक असली तरबूज और एक मिट्टी का। मिट्टी का जो तरबूज होगा वो गुल्लक होना चाहिए, समझ में आई? ताकि उसमें पैसे जमा कर सके। ठीक है, क्या फिर हमारी समस्या मिट जाएगी? मैंने जो कहा बस वही करो, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। भाभी, ओ भाभी, तुम आ गई कमला? हाँ हाँ लाई हूँ, ये लो।
ये है तुम्हारा अच्छा फल और ये रहा तुम्हारा बुरा फल। पूरे दिन के खर्चे के बाद जितने भी पैसे बचेंगे उसे अच्छे फल में जमा करना, याद रहेगा ना भाभी? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वही करूँगी। मुझे मेरा अच्छा फल और बुरा फल दोनों ही मिल गया है गुरुदेव। अरे वाह, तुम्हें मिल गया? हाँ गुरुजी, ये सभी आपका आशीर्वाद है। अभी आप बताइए मुझे क्या करना है। अच्छा फल जब तुम्हें मिल चुका है तो बुरे फल की तरफ नजर मत रखना, अच्छे फल की तरफ ही ध्यान रखना, तरफ ही ध्यान देना। बुरे फल को अपने जीवन से निकाल दो। हाँ हाँ, वही होगा गुरुजी, जैसा आप कहे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी सारी मुसीबतें टल जाए। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वो अच्छा फल ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तो फिर अब मैं चलती हूँ गुरुजी। ठीक है बेटी, आना। चलो, गुरुजी ने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसे बुरे फल को तोड़ दिया। अभी मुझे अच्छे फल का ख्याल रखना होगा। बस कमला ने जैसे कहा था वैसे बचा हुआ पैसा मैं अच्छे फल में डाल के रख दूंगी, फिर मेरा बुरा वक्त खत्म हो जाएगा और कोई मुसीबत मेरे आसपास भी नहीं भटकेगी। कितनी शांति महसूस हो रही है मुझे। 1, 2, 4, 8, 10, 10, आज 10 रुपए जमा हो गए। कुछ महीनों के बाद शोना के बेटे का एक बहुत बड़ा बाइक एक्सीडेंट हो जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और शोना का पति उसे घर आकर ये खबर देता है। ये सुनकर शोना रोने लग जाती है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? कैसा है मेरा बेटा? मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल ले चलो, मुझे मेरे बेटे को देखना है, मुझे जाना है, मुझे अभी उसके पास जाना है। तुम इतनी ज्यादा चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कल ही ऑपरेशन करना होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या लेकिन? लेकिन ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए, बहुत खर्चा है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं, बताओ मुझे। हाँ, अब क्या होगा? इतने दिन से मैंने गुरुजी की बात सुन के अच्छे फल में जमा किया था, उसके बाद भी इतनी बड़ी मुसीबत, ये क्या हो गया? ये सब क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हूँ मैं, कोई बकवास नहीं कर रही, सच में। किस अच्छे फल की बात कर रही? तरबूज की बात। तुमने इतने दिन से तरबूज जमा किए? हाँ, गुरुजी ने जैसा कहा था वैसे हमारी फल वाली कमला हमें एक अच्छा फल और एक बुरा फल दे के गयी थी। मैंने बुरे फल को फेंक दिया और सारे अच्छे फल जमा करके रखे थे तरबूज के अंदर। दिखाओ, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। नहीं नहीं, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सब सच बोल रही हूँ। ठीक है, जाकर तरबूज लेकर आओ, जाओ। ये तो मिट्टी का तरबूज है, इसमें तो पैसे जमा किए जाते हैं। ये मिट्टी का नहीं है, ये तो अच्छा फल है जो गुरुदेव ने बोला था, और मैं पूरे दिन के बचे हुए पैसे इसमें जमा करती हूँ। देखो, मैंने इसमें सारे पैसे जमा कर दिए हैं, जो भी बचे हैं। मैं समझ गया। ये क्या किया आपने? ये अच्छे फल को तोड़ दिया आपने। मेरा गुस्सा इस पर क्यों निकाला? अब हमारी मुसीबतें और बढ़ने लगेगी। अब तो ये निश्चित है कि मेरे बेटे को कोई नहीं बचा पाएगा। अब मेरा क्या होगा? सोना, रोना बंद करो, मत रो सोना, मत रो। गुरुदेव की बातों का तुम्हें मतलब समझ में नहीं आया? गुरुदेव की बात ना समझ के भी तुमने अच्छा काम किया है, तुमने बहुत पैसे जमा कर लिए जिसका अच्छा फल हमें मिलेगा। इस पैसों से हमारे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा, वो फिर से ठीक होके हमारे घर आ जाएगा। वो फल बेचने वाली कमला बहुत ही दिमाग वाली है, उसने जानबूझ के तुम्हें ये मिट्टी वाला तरबूज दे दिया ताकि तुम इसमें पैसे जमा कर सको, जिससे कठिन समय में तुम पैसों की सहायता ले सको। इस वजह से आज हमारे पास पैसे हैं। ये सब क्या बोल रहे हो आप? तुमने ठीक कहा कि पैसे नहीं मिलते तो बेटे का इलाज भी नहीं हो पाता, कल ऑपरेशन भी नहीं होता था और बेटा ठीक भी नहीं होता था। क्या? अच्छा हो गया कमला ने मुझे ये अच्छा फल दिया, उसी की वजह से मैं इतने सारे पैसे जमा कर पाई। कुछ दिनों बाद शोना का बेटा सही सलामत होकर घर लौट आता है।
उसके बाद कमला आकर उसके बेटे के लिए कुछ फल दे जाती है। भाभी, ये फल बाबू को खिला देना, मैं उसी के लिए लेकर आई हूँ खास। हाँ हाँ, जरूर दूंगी। रुक रुक, अपना पैसा लेके जा। नहीं नहीं भाभी, ये फल मैं बाबू के लिए लाई हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बाबू को खिला देना। अच्छा ठीक है, पर एक और बात कमला, तूने दिया हुआ अच्छा फल तो टूट गया। तू एक काम करना, मेरे लिए एक और अच्छा फल लेके आ जाना। क्या? मिट्टी का।